हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड मैजेस्टिक फीड द वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोहित, और आज हम बनाने वाले हैं राजमा कबाब। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने चना दाल पकौड़ा रेसिपी आपको बताई थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सॉल्ट, गरम मसाला, एक सूखी लाल मिर्च, एक हरी मिर्च, 5 से 7 लहसुन की कलियां, धनिया कटा हुआ, ऑयल, मैदा, राजमा, हमारे जो राजमा हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पोटैटो जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, अनियंस फाइनली चॉप्ड। दोस्तों, हमारे जो राजमा हैं उनको मैंने पहले 5 से 7 घंटे अच्छे से सो करके रख लिया था, और फिर मैंने उन्हें 35 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है, और हमारे जो पोटैटो हैं वो भी मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे जो राजमा हैं उन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जार मैंने ले लिया है और जार में हम डाल रहे हैं राजमा। दोस्तों, राजमा को हमें ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हमें राजमा को ग्राइंड इस तरह से करना है कि ताकि हमारे जो राजमा है उसमें हमारे राजमा के दाने भी रहें। राजमा मैंने डाल लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च, 5 से 7 कलियां लहसुन की, और दोस्तों अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, हमारे जो राजमा हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो रहे हैं, और बीच बीच में हम उन्हें चेक करते रहेंगे कि हमारे राजमा जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो राजमा हैं अभी ग्राइंड नहीं हुए हैं, तो इन्हें हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, हमारे जो राजमा हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटो। मैश पोटैटो मैंने डाल लिए हैं, और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे मैदा, 2 टेबलस्पून पहले हम इसमें डाल लेंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे जो राजमा हैं वो अभी भी हाथों में चिपक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मैदा और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस, हरा धनिया, नमक, गरम मसाला, और दोस्तों इसे भी हम अच्छे से हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों, हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे जो कबाब हैं वो बना लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से हम हाथों में मैदा लगा लेंगे, और इस तरह से जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उसी तरह से पेड़ा लेंगे और उसे गोल कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से अच्छे से गोल कर लेंगे और अपने उंगलियों से इसे दबा लेंगे इस तरह से, और एक अच्छी सी राउंड शेप देंगे इसे। दोस्तों, हमारा जो कबाब है वो अच्छे से बनके तैयार है। इस तरह से हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, और दोस्तों इसी तरह हम हमारे सारे कबाब अच्छे से बना लेंगे, और फिर हम इन्हें तवे पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, तवा मैंने ले लिया है, तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और ऑयलिंग मैंने कर ली है। इस तरह से हमने अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है, और फिर हम इसमें हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से प्लेस कर लेंगे। इस तरह से हम कबाब को अच्छे से प्लेस कर लेंगे, 4 से 5 कबाब तवे में हम अच्छे से प्लेस कर लेंगे इस तरह से। और दोस्तों, हमें कबाब को अच्छे से पकाना है। जैसे ही हमारे कबाब जो हैं एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर के हो जाते हैं, हम इन्हें पलट लेंगे। दोस्तों, हमारे जो कबाब हैं एक साइड से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। इस तरह से हम हल्की हल्की ऑयलिंग कर लेंगे। अब दोस्तों, हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। जैसे ही अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, हम इन्हें पलट लेंगे।
दोस्तों हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और इस तरह से हम इन्हें अच्छे से पलट लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो कबाब हैं कितना अच्छा कलर आया है और इस तरह से हम इन्हें अच्छे से पलट लेंगे और दूसरी साइड से इन्हें अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से हम अच्छे से पलट लेंगे। दोस्तों हमारे जो कबाब हैं दूसरी साइड से भी अच्छे से पक के तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। आप देख सकते हैं हमारे जो सारे कबाब हैं उनमें एक अच्छा कलर आ चुका है। दोस्तों अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। दोस्तों हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं और हमने अच्छे से प्लेटिंग कर ली है। आप चाहें तो इसका मजा मिर्च चटनी या किसी और सॉस के साथ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।